हेलो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर ट्वेल्व दैट इज द एटम और एटम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं यहाँ हम सबसे पहले एग्जांपल के क्वेश्चंस देख रहे हैं और सबसे पहले हमारे पास ट्वेल्व पॉइंट वन क्वेश्चन है एग्जाम्पल ट्वेल्व इस क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन है इन द रदर न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम द न्यूक्लियस रेडियस अबाउट टेंडर्स टू पावर माइनस फिफ्टीन मीटर इज टू एनोलोग सन अबाउट विच the electron move in orbit of a radius 10 to power minus 10 meter like the earth orbit around the sun if the dimension of the solar system had the same proportional as those of the atom would the earth be closer or further away from the sun than actually it is the radius of earth orbit इज़ अबाउट वन पॉइंट फाइव इंटू टेंडरस टू पावर एलेवन मीटर एंड द रेडियस ऑफ सन इज सेवन इंटू टेंडर्स टू पावर एट मीटर तो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में की बनाई कि जो हमने रदर फोड के कॉन्सेप्ट की हेल्प से प्लानरी मॉडल देखा है उसमें हमने देखा है कि न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पर रहता है ओके न्यूक्लियस सेंटर पर रहता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं है ना इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं और इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स है वो उसको सेंट्रपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं है ना जब अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार गोल्ड फॉइल पर हम करते हैं है ना रदर ने जब अल्फा पार्टिकल की बंबार गोल्ड फ़ाइल पे किया तो वहां पर उस कैलकुलेशन uh, की हेल्प से जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले हैं जो रेडियस न्यूक्लियस uh, का अप्रोक्सीमेट काउंट किया है वो टेंड टू पावर माइनस फिफ्टीन ऑर्डर का है तो अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस रेडियस ओके रेडियस ऑफ न्यूक्लियस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज टेन रेस्टू पावर माइनस फिफ्टीन मीटर फर्मी की ऑर्डर का होता है ओके और अगर हम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का ऑर्डर देखें है ना तो हम अगर यहाँ पर ऑर्डर देखते हैं ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो होता है टेंडरस टू पावर माइनस टेन मीटर या एमस्ट्रॉन्ग के ऑर्डर का होता है अगर हम देखें कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इन दोनों का रेशियो अगर देखते हैं तो टेंडर टू पावर माइनस फिफ्टीन डिवाइडेड बाई टेंडरस टू पावर माइनस टेन विच इज़ इक्वल टू टू पावर माइनस फाइव तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन uh, के odd, ऑर्बिट या फिर एटम का साइज देखें तो वो आ, टेन रेस्ट टू पावर फाइव टाइम्स है न्यूक्लियस की रेडियस का ओके जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है उसके कंपैरिजन में टेंस टू पावर फाइव टाइम्स है ओके अगर हम यहाँ पर जो सन का रेडियस है है ना अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें इफ़ टेंस टू पावर फाइव इंटू रेडियस ऑफ सन का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कितना मिलता है टेंडर टू पावर फाइव और सन का रेडियस यहाँ पर कितना दे रखा है सेवन इंटू टेंडर टू पावर एट मीटर है ना तो ये कितना हो जाएगा सेवन इंटू टेंडर टू पावर थर्टीन मीटर है ना पर यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑर्डर है है ना अगर हम यहाँ पर अर्थ का रेडियस देखते हैं तो अर्थ का रेडियस जो है वो वन पॉइंट फाइव इंटू टू पावर 11 मीटर है है ना? मतलब अगर हम देखें तो 100 टाइम्स है ना? हमको और उसको आगे लेकर जाना पड़ेगा है ना अर्थ जो है वो ज़्यादा क्लोज है 100 गुना ज़्यादा उसको हमको दूर लेकर जाना पड़ेगा अभी करंट रेडियस के कंपैरिजन में तब जाके वो हम उसको वैसा ही प्रटेंड कर सकते हैं जैसा कि हम न्यूक्लियस की बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम एटम की बात करते हैं ठीक है यहाँ पर तो इस क्वेश्चन का आंसर हम सिंपली दे सकते हैं कि हमको अर्थ को हंड्रेड टाइम्स मोर रेडियस पर लेकर जाना पड़ेगा जो एक्चुअल रेडियस है उसके कंपेरिजन में तब जो प्रोपोर्शनलिटी है वो फुलफिल होगी जो स्पेस प्रोपोर्शनल स्पेस एम्प्टी स्पेस है किसी एटम में वो हमारे सोलर सिस्टम के एम्प्टी स्पेस के बराबर होगी प्रोपोर्शनलिटी अगर हम देखें तो ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास में आंसर है हमको उसको दूर लेके जाना पड़ेगा है ना